प्लीज अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने स्टार्ट किए थे, ठीक है। इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें हमने पढ़ ली थी, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हमारे पास कुछ रह रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का, वो कर लेने के बाद फिर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो है ना, यानी हमें नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर अल्लाह के फजल करम से कल हम जो है ना, यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है, वो रीड आउट करेंगे, ठीक है, जो आपकी पेपर का हिस्सा है, ठीक है, जो हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन क्योंकि बहुत आसान है, इस वजह से जो है ना, मैंने वो आपके लिए छोड़ दिए हुए थे कि चलो उसको हम बाद में रीड आउट करेंगे, ठीक है। सो ठीक है, ये तो सारे हमने पढ़ लिए हुए थे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए थे, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ठीक है। ये हमने पढ़ लिए हुए थे याद है आप लोगों को, पंक्चुएशन मार्क हमने पढ़ लिए हुए थे, होप कि आपको ये सारे याद होंगे, ठीक है। ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हम पढ़ रहे थे, ठीक है। हाँ, तकरीबन बहुत सारी बातें कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ना, हम पढ़ रहे थे। फैसल बलोच साहब, वेलकम। थोड़ी सी रिमाइंड करवाऊं, ठीक है आपको, कि डायरेक्ट स्पीच में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। यानी जो डायरेक्ट स्पीच है, इट इज यानी इट हैज टू इंपॉर्टेंट थिंग, द वन इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग स्पीच एंड द अदर वन इज कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टिंग स्पीच होते हैं, ठीक है, उनमें दो अहम चीजें होते हैं, वन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें पर्सन्स होता है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या होते हैं, पर्सन्स होते हैं। मतलब ही सेड टू मी आई एम हेल्पिंग यू, यहाँ पर आई पर्सन है और यू पर्सन, ठीक है, यू पर्सन है, माई पर्सन है, माई पर्सन है, यू पर्सन है, देम पर्सन। जो आप सेंटेंस देख रहे हो, हम बहुत दफा रिवाइज किए हुए थे। इसके बाद जो है, फॉर एग्जांपल मैंने पर्सन बताए थे कि आई और वी जो होते हैं ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, ये हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, क्लियर। यानी सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज होंगे। इसके बाद जो है, फॉर एग्जाम्पल यू सेकेंड पर्सन है, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होंगे, क्लियर। और इसके बाद जो है ना, ही शी दे इट एंड नेम, ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं, जो चेंज नहीं होते, जो चेंज नहीं होते, क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। इसके बाद हमने ये बात की हुई थी टेंसेस के बारे में, कि जो प्रेजेंट टेंस होगा वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट यानी पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और इसके बाद पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी चेंज नहीं होता, वो भी वही रहते हैं। फ्यूचर में जो विल और शैल होते हैं, वो वुड में चेंज हो जाएंगे। फिर इसके बाद मैंने ये डायग्राम बना के दे दिया था कि आई माई मी ये सारे फर्स्ट पर्सन है, वी और अस ये भी फर्स्ट पर्सन है, यू यू और यू सेकंड पर्सन है, ही हिज हिम शी हर हर दे देयर देम इट 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 ये सारे थर्ड पर्सन है, याद है आप लोगों को। ये मैंने एग्जाम्पल्स करवाए थे फिर आपको। फिर इसके बाद ये बात बताई थी कि इज और एम जो है वाज वर में चेंज होता है, हैज और हैड में चेंज होता है, विल शैल वुड में, वाज वर हैड बीन में, कैन कुड में, मे माइट में, यस टुडे एटसेट्रा, ये मैंने करवाया थे। इसके बाद जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये फिर हमने मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस किए थे, हमने इंटरोगेटिव भी पढ़ लिए थे जिसमें डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला है, फिर इफ वाले कर दिए थे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, याद है आप लोगों को, कोई बात है, ठीक है। इसके बाद जो है ना, हमने ये एक्सक्लेमेटरी किए हुए थे जिसमें हुरा आ जाता है, और हुरा अगर आते हैं तो एक्सक्लेम विद जॉय, और एलॉस आ जाए तो एक्सक्लेम विद सॉरो, यहाँ थे आपको, ठीक है। जो हमने ये एग्जाम्पल किए थे आपसे, ये प्रैक्टिस करवाई थी, क्लियर हो गया, ठीक है। इसके सामने मैंने ये सोल्यूशन भी लिखे हुए, हर एक के सामने मैंने ये सोल्यूशन सेंटेंस के सामने सोल्यूशन किया, यस आपको याद है ये सारी बात है, होप कि आपको याद होगी, ठीक है। और इसके बाद है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ये भी हमने किए भी थे, जहां मे को आप किसी में चेंज करते हो, माइट में चेंज करते हो, समझ आ रही है आपको बात, यस क्लियर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेट मी
may you win the match. He wished me that I might win the match. प्री एक्सरसाइज मैंने आपसे कराई थी और उसके सामने मैंने ये सोल्यूशन नहीं किया, ठीक है प्री, ये पास्ट इंडेफिनिट की, फिर एक्टिव पैसिव वर्सेस की मजीद एक्सरसाइज आई थी, पॉज़ कंटिन्यूस की आई थी, इसके बाद फिर मैंने आपको बात बताई थी कि हम फ्रेज पढ़ेंगे जो हमने नहीं पढ़ लिए थे, जो हमने क्या थे, यानी हमने पढ़ लेने थे ठीक है फ्रेज, लेकिन हमने नहीं पढ़ लिए थे, याद है आप सबको, क्लियर है? यस, ठीक है, तो ये ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम फ्रेज को रिजॉल्व करते हैं, क्लियर? फ्रेज क्या चीज है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, और यहां से दो तीन मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यहां से दो तीन मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्लियर? इंपॉर्टेंट है, कॉमन सेंस वाली बात है यार, आपने कॉमन सेंस यूज करने हैं इंशाल्लाह, अगर आपने कॉमन सेंस यूज की तो आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं। व्हाट इज फ्रेज, फ्रेज क्या चीज है, क्लियर? व्हाट इज फ्रेज, व्हाट इज फ्रेज, यानी फ्रेज बेसिकली क्या चीज है, क्लियर? अगर मैं कहता हूँ लुक एट दीज एग्जाम्पल, ये देखो ये एग्जाम्पल है, मैं कहता हूँ इन द ईस्ट, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। सिमिलरली मैंने एक और लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ऑन द वॉल, ऑन द वॉल देखें, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, समझ आ गया? एट माई डोर, मेरे दरवाजे पे, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। इन द रूम, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, ठीक है, ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, क्लियर? मैं आपको बता देता हूँ, पहले यार फ्रेज तो पूरा होने दो, फिर मैं आपको बता देता हूँ, समझ आ गया आपको, ठीक है? अब देखिएगा डेफिनेशन क्या है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड जो आपको थोड़ा बहुत सेंस तो देता है लेकिन आपको कंप्लीट सेंस नहीं देता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। यानी द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक सेंस, यानी जो ग्रुप ऑफ वर्ड जो आपको सेंस तो देता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड द फ्रेज, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। क्लियर, समझ आ रही है आपको, ठीक है? यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, फॉर एग्जांपल यानी इन द ईस्ट, ये आप आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे, इन द ईस्ट जो है फॉर एग्जांपल आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे, क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है? सो सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो आपको कंप्लीट मीनिंग ना दे सके, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको सेंस दे दे लेकिन इनकम्प्लीट सेंस देता है, इस किस्म के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं। नाउ फ्रेज हैज डिफरेंट टाइप्स, जो आपके कोर्स में शामिल है हमने वही डिस्कस करने हैं, द टाइप्स ऑफ द फ्रेज आप देख लीजिएगा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रेज, फ्रेज के डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकते हैं, क्लियर? अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है? अब देखिएगा, हम अब बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। अब इसका मतलब क्या हो गया, यानी इट मींस कि आपके पास दो वर्ड्स होंगे, एडजेक्टिव भी होगा और वो फ्रेज भी होगा। आपको पता है यार, एडजेक्टिव तो सिर्फ एक ही लफ्ज होता है, आपके एग्जाम्पल इंशाल्लाह एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ आ जाएंगी, आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, सिंपल डेफिनेशन से कभी भी ये चीजें समझ नहीं आती, क्लियर?
अब अगर मैं कहता हूं यानी मेक, ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जहां पर मैंने कर्सर रखा हुआ हाईलाइट कर दिया, इसको मैं थोड़ी देर के लिए अंडरलाइन कर लेता हूं। देखिए ये कहते हैं मेक नाउन ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया हुआ होता है उसका नाउन बनाइएगा, देन राइट सम वर्ड्स बिफोर और आफ्टर इट टू मेक इट एन एडजेक्टिव फ्रेज, फिर उस नाउन के आगे पीछे कुछ अल्फाज लगाइएगा जो भी तुम्हें सूट कर, वो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, अभी एग्जाम्पल देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ही आसानी के साथ समझ आ जाएंगे, बहुत आसानी के साथ। अगर मैं इस पहले एग्जाम्पल को देखता हूँ, मेरी बात सुन लीजिएगा, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर वन की बात मैं कर रहा हूँ। अहमद वाज अ वेल्दी मैन, अहमद एक अमीर इंसान थे, अहमद वाज अ वेल्दी मैन, अहमद एक अमीर इंसान, समझ आ। अब देखिएगा ये जो अहमद है, अहमद ये क्या है, ये एक अमीर, यानी इसके साथ मैंने लिखा हुआ है वेल्दी, क्या लिखा हुआ है वेल्दी, मैं अंडरलाइन भी कर लेता हूँ, आल्दो कि मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल रेड कर दिया हुआ है, अहमद वाज अ वेल्दी मैन, अहमद एक अमीर इंसान थे, क्लियर है। अब देखो वेल्दी क्या है, ये एडजेक्टिव है जो इस अहमद को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि यानी अहमद जो है उसकी सिफत यह है कि वो अमीर इंसान है। अब इस वेल्दी का आप नाउन ढूंढ लीजिएगा, वेल्दी का नाउन क्या है, वेल्थ, वेल्दी का नाउन क्या है, वेल्थ, वेल्दी का नाउन क्या है, वेल्थ है। आ रही है आपको बात समझ में। अब इस वेल्थ इसके आगे पीछे कुछ अल्फाज बताइएगा, अगर मैं कहता हूं अहमद वाज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, अहमद वाज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, ऑफ ग्रेट वेल्थ जो है देखिएगा, ऑफ ग्रेट वेल्थ ये क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज, चूंकि ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी अहमद को रिप्रेजेंट करता है। अब ग्रेट वेल्थ जो है ना, ये भी अहमद के बारे में बात कर रहे हैं, और वेल्दी जो है ये भी किसके बारे में बात कर रहे हैं, अहमद के बारे में बात कर रहे हैं। समझ आ गया आपको, ठीक है। सो हमेशा याद रखना कि सेंटेंस में सबसे पहले, सेंटेंस में सबसे पहले जो है आप एडजेक्टिव को तलाश कीजिएगा, और एडजेक्टिव कहाँ आएगा, वो हमेशा नाउन से पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा। मसलन देखिएगा अहमद वाज अ वेल्दी मैन, अब देखो अहमद भी नाउन है, मैन जो है वो भी नाउन है, ये देखो मैन से पहले वेल्दी आया, ये वेल्दी जो है ना ये एडजेक्टिव है। अगर आपको बात समझ में क्लियर हो गई, अब इस वेल्दी का जो कि नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, इसका नाउन बनाइएगा, इसका नाउन क्या हो जाएगा, वेल्थ, इसका नाउन क्या हो जाएगा, वेल्थ। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। अब देखें इस जो आपने नाउन बना लिया वेल्थ, इससे पहले या इसके बाद कुछ अल्फाज अपनी तरफ से लगाइएगा। अगर मैं कहता हूँ अहमद वाज अ वेल्दी मैन, अहमद एक अमीर इंसान, ये वेल्दी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, अहमद के बारे में बात कर रहा है। इसी तरीके से अहमद वाज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, अहमद वाज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, अहमद एक ऐसे इंसान थे, ये अमीर इंसान थे। अब देखिएगा ऑफ ग्रेट वेल्थ जो है ये क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि मैंने आपको बात बताई ना कि फ्रेज क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जबकि एडजेक्टिव सिर्फ एक ही लफ्ज होता है, एडजेक्टिव सिर्फ क्या होता है, एक ही लफ्ज होता है, क्लियर है। अब देखिएगा अगर आप सिर्फ ऑफ ग्रेट वेल्थ की बात करते हो तो ये अकेले में तो आपको कोई मीनिंग नहीं देगा, लेकिन इसको सेंटेंस के साथ शामिल कर लिया अहमद वाज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, तब जाकर ये एक मीनिंग शो कर रहा है। यहां तक बात क्लियर होगी, समझ आ गया आपको बात, ठीक है। इन अदर एग्जाम्पल को देखिएगा, अगर मैं एक अदर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, He is an intelligent man. वो एक ज़हीन आदमी। अब देखिएगा मैन नाउन है, इससे पहले जो लफ्ज आ जाता है वो एडजेक्टिव ही बन जाता है, इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये इस मैन के बारे में डिटेल देता है कि किस किस्म का आदमी है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, हम इसको एडजेक्टिव कहते हैं। अगर आपको इस एडजेक्टिव यानी इंटेलिजेंट जो मैंने अभी अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है, इसका आप नाउन ढूंढ लीजिएगा, इसका नाउन क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट का नाउन क्या है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट का नाउन क्या है, इंटेलिजेंस। अब देखिएगा अगर मैं कहता हूं इसका नाउन क्या है, इंटेलिजेंस है, अब इसके आगे पीछे कुछ अल्फाज लगाएंगे, ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर में लगाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ अहमद वाज अहमद इज अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, अहमद इज अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस जो है ये क्या है, ये क्या है, ये आई मीन वो है, यानी एडजेक्टिव फ्रेज है। वेरी गुड यार, बस मैं सुनना चाह रहा था
कि मैं चुप हो जाऊं, आप लोगों में से कोई बोलता है या नहीं बोलता, चूंकि तुम लोग बोलते नहीं हुए। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। सो आई मीन मैंने आपको बात बताई ना कि एडजेक्टिव फ्रेज भी किसका काम करता है, ये भी एडजेक्टिव का काम करता है, यानी ये भी किसी नाउन या प्रोनाउन की मजीद जो है ना क्या देता है, उन्हें डिटेल देता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो गई आपको, ठीक है। यानी हमेशा याद रखना, यानी हमेशा याद रखना कि किसी भी सेंटेंस में जब आपको एडजेक्टिव नजर आता है, एडजेक्टिव जब आपको नजर आ जाता है, ठीक है, तो उस नाउन की जो है ना आप क्या बनाए, उस एडजेक्टिव का आप क्या बनाइएगा, नाउन बनाइएगा, और उसके बाद जो है उसके आगे पीछे दो अल्फाज लगाइए। मसलन अनदर एग्जांपल को देखिएगा, अगर मैं कहता हूं देयर इज अनदर एग्जांपल, देखिएगा, द किंग वियर्स अ गोल्डन क्राउन, बादशाह जो है, द किंग वियर्स अ गोल्डन क्राउन, यानी बादशाह जो है गोल्डन सुर्ख क्राउन पहनता। अब देखो ये गोल्डन क्या है, ये एडजेक्टिव है, गोल्डन क्या है, ये एडजेक्टिव है, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। इसके बाद क्या आया हुआ है, इसके बाद जो है ना क्राउन, क्राउन जो कि नाउन है। अब इस गोल्डन का नाउन बनाइएगा, नाउन क्या है इसका, गोल्ड, समझ आ गया आपको, द किंग वियर्स द क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। अब देखो ये मेड ऑफ गोल्ड जो है ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है जो उसी क्राउन को, नाउन है, उसी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। यस, क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है। इन अदर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, ही वियर्स अ सिल्की टर्बन, यानी उसने सिल्की, किसे कहते हैं, सिल्क का, रेशम का, कहते उसने रेशम की पगड़ी पहनी। देखो सिल्की जो है ये एडजेक्टिव है, टर्बन नाउन है। हमेशा याद रखना कि एडजेक्टिव जो है ना नाउन से पहले आते हैं, क्लियर। अब इस सिल्की का नाउन क्या होगा, सिल्क, इसका नाउन सिल्क होगा, उससे पहले जो है ना, नाउन से पहले या नाउन के बाद कुछ अल्फाज लगा सकते हो, वियर्स अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क, यानी उसने एक ऐसी पगड़ी पहनी हुई है जो किसकी बनी हुई है, जो नहीं सिल्क की बनी हुई है। अब आपको बात समझ आ रही है, क्लियर है। Yes, another example. अब अगर मैं एक another example की बात करता हूं, देखिएगा, देखें, you are a wise man, तुम आप एक अकलमंद इंसान हो, you are a wise man, आप एक अकलमंद इंसान हो। Wise क्या है, ये adjective है, because ये इस आदमी की मजीद डिटेल बताता है। अब इस wise का नाम क्या होगा, wisdom, इस नाम का wise क्या होगा, wisdom, clear है। ये आप देखिए उस नाउन के आगे पीछे कुछ अल्फाज लगाओगे, यू आर मैन ऑफ ग्रेट विजडम, आप एक इंसान हो अजीम, यानी जहानत के, क्लियर। सो इस किस्म के आई मीन एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, द एडजेक्टिव फ्रेज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड An adjective phrase, इसको फिर हम क्या कहते हैं, adjective phrase कहते हैं। मसलन इन adjectives को देखिएगा, जो मैंने red color में underline किए हुए, ये इसी noun को describe कर रहे हैं, noun के बारे में detail दे रहा है। इसी तरीके से green color में उस adjective phrase को देखिएगा, ये भी उसी noun को describe कर रहा है, उसी noun के बारे में आपको detail दे रहा है। Yes, please, समझ आ रहे हैं? जी बोलें। Yes, बलोच साहब। Yes, बाकी yes, yes. आसान बिन कुदूस, ठीक है, साथ साहब, ठीक है, समझ आ रहे हैं यार, ठीक है, प्लीज। इसके बाद देखिएगा जरा, मैंने कुछ और भी एग्जांपल बनाए, ठीक है, यानी ये कुछ सम अदर एग्जांपल्स है, ठीक है, यस वेरी गुड यार, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अब देखिए सम अदर एग्जांपल, आप यार एग्जांपल की समझ आ जाए ना, यू समझ लीजिएगा यार आपको समझ आ, मेरी बुरी आदत है यार, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल बनाता हूँ यार, ठीक है, बाद स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, क्लियर। इसको थोड़े से जो है ना करीब करीब ले आता हूं ताकि करीब आ जाए, ठीक है, फिर इंशाल्लाह ये यार, ठीक है, अब ये बाकी एग्जांपल जो है ना ये थोड़े से ऊपर आ जाए, यस क्लियर। अब देखिएगा, ठीक है, अगर मैं मोर एग्जांपल की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल देखिएगा, ही इज अ फियरलेस मैन, यानी वो निडर इंसान है। फियरलेस क्या है, ये एडजेक्टिव है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो ये जो मैन है, जो नाउन है, ये इस पर रिप्रेजेंट कर। अब इस फेयरलेस का मतलब क्या है, वो बंदा जो डरता नहीं है, समझा गया। अब इसी फेयरलेस का नाउन, फेयरलेस का नाउन क्या हो जाएगा, फेयर, समझा गया आपको बात, ठीक है। अब इसको देखिएगा, इज अ मैन विदाउट फेयर, इज अ मैन विदाउट फेयर,
वह कैसा इंसान है जिसमें कोई फियर नहीं है, जिसमें कोई डर नहीं है, जिसमें कोई डर नहीं है। अनदर सेंटेंस को देखिएगा, अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ यूजलेस प्लेस, दिस इज अ यूजलेस प्लेस, ये एक नाकारा जगह है। यूजलेस किसे कहते हैं? नाकारा, यूजलेस नाकारा, इसका नाम क्या हो जाएगा? यूज। दिस इज अ प्लेस ऑफ नो यूज, दिस इज अ प्लेस ऑफ नो यूज, ये एक ऐसी जगह है जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, अनदर एग्जाम्पल देखिएगा, ही इज कैरिंग अ ब्लडी सोर्ड, वो ले जा रहा है ब्लडी सोर्ड। ब्लडी सोर्ड का मतलब क्या है? यानी ऐसी तलवार जिस खून से अलूद हो, खून अलूद हो। क्लियर? अब देखो ब्लडी, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्लड। He is carrying a sword stained with blood. Yes, stained की जगह ये मुश्किल लफ्ज है, इसकी जगह आप ये लिख लीजिएगा, यानी full of blood, जो ब्लड से बने। Yes? Another example लिखिएगा, अगर मैं कहता हूं, मेरी बात सुन लीजिएगा, ठीक है, another example लिखिएगा, he is a, अच्छा यार एक मिनट, चैट किसकी आ रही है? वॉइस क्लियर नहीं यार, वो असल में मैं आपको बात बताऊं, आप प्लीज अपने सिस्टम को देख लीजिएगा, यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर है, 100 पे है, तो प्लीज आप जो सिस्टम यूज कर रहे हो प्लीज उसको जरा चेक कीजिएगा। ठीक है, अनदर सेंटेंस देखिएगा, ही इज अ ब्रेव मैन, वो एक बहादुर इंसान। समझा क्या? ब्रेव एडजेक्टिव है। क्लियर? ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव है। इसका नाउन, ठीक है, इसका नाउन क्या हो जाएगा? इसका नाउन है ब्रेवरी। सो हम कह सकते हैं ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट ब्रेवरी, ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट ब्रेवरी, यानी वो एक ऐसा इंसान है जिसमें बड़ी बहादुरी है। यस, अनदर एग्जांपल लिखिएगा, अगर मैं कहता हूं शी इज एन ऑनेस्ट लेडी, यस शी इज एन ऑनेस्ट लेडी। अब देखो ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, जो आई मीन इस नाउन की जो क्या कर रहे हैं, आई मीन इसकी मजीद डिटेल दे रहे हैं। अब अगर हम कहते हैं, देखिए ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट। इसका नाउन क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी हो जाएगा। क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है, अब देखिएगा जरा, शी इज अ लेडी ऑफ ग्रेट ऑनेस्टी, शी इज अ लेडी ऑफ ग्रेट ऑनेस्टी। नहीं 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 यार, ठीक है मेरी बात सुन लीजिएगा हसान, वेंकटूस ब्रेव जो है वो नाउन, वो नहीं है, नाउन नहीं है। समझ आ गया आपको बात? ठीक है, यानी वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। समझ आ गया आपको बात? ठीक है, इसके बाद देखिएगा जरा अनदर सेंटेंस। ठीक है, अगर मैं कहता हूं ही इज अ डल मैन, वो नलायक आदमी है। डल का मतलब क्या है? नलायक। नलायक का मतलब क्या है? जिसमें कोई जहानत ना हो, जिसमें कोई जहानत ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, डल कहते हैं। अब देखें, अब यहां पर मैंने थोड़ी सी चेंज की भी, मैंने इसकी जगह ये लिख लिया इज अ मैन विदाउट इंटेलिजेंस, ही इज अ मैन विदाउट इंटेलिजेंस, आप ऐसा भी कह सकते हो। समझ आ गया? ठीक है, यानी ही इज अ मैन विदाउट इंटेलिजेंस, वो ऐसा इंसान है जिसमें कोई जहानत नहीं। डल किसे कहते हैं? जहानत को। यानी डल किसे कहते हैं? यानी एक ऐसा इंसान जिसमें कोई जहानत ना हो। Anyone can send course out. ओ यार मेरी बात सुन लो, ये बात की बातें हैं। ठीक है, अब देखिए, देख लीजिएगा another one. ठीक है, last example आप देख लीजिएगा। I'm sorry यार, ठीक है, you are a bald man. Bald किसे कहते हैं यार? गंजा। अब गंजे का मतलब क्या है यार? एक ऐसे इंसान जिसके सर पे बाल ना, जिसके सर पे बाल ना। तो you can say you are a man with no hair on. ठीक है, यू आर अ मैन विद नो हेयर ऑन हेड। ठीक है, विद नो हेयर, आप सिंपली ये कह सकते हो यू आर अ मैन विद नो हेयर, आप ऐसे इंसान हो। ठीक है, बाल तो जो है ना लिख सकते हैं, यू आर अ मैन, आप ऐसे इंसान हो विद नो हेयर ऑन हेड, जिसके सर पर कोई बाल ही नहीं। अब मुझे बताइएगा कि आपको एडजेक्टिव फ्रेज की समझ आ गई है? यस, यू गॉट एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? Adjective phrase जो है, मेरी बात सुन लीजिएगा, ठीक है, adjective phrase वो होते हैं जो किसी adjective का काम दे रहे हैं। Yes? समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, अब मुझे किसी को कोई समझ ना आए, ठीक है, क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है, तो प्लीज अगर कोई आप बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे दोबारा प्लीज पूछ सकते हो। यस, होप कि आप तो बिल्कुल आसान हो चुके होंगे।
और अब तो बिल्कुल समझ आने भी चाहिए, क्योंकि इसकी मैंने कोई शायद एक्सरसाइज नहीं लिखी हुई होगी। ठीक है सर, जी सर बोले बोले। इनके फर्क हाँ सर जी जी बोले यार। सर इनके डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे सर? अच्छा, इनकी डेफिनेशन नहीं आए। हाँ मैं आपको बता देता हूँ। यस ठीक है, अब देखिए, वेरी गुड, थैंक यू मैं साथ दिया। ठीक है, इसके ना तो कोई डेफिनेशन नहीं आएंगे, कोई डेफिनेशन वाले तो कोई सवाल ही नहीं है पेपर में। इसके क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि आपको वो सेंटेंस देंगे, सेंटेंस क्लियर। मसलन मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अहमद वॉज ए वेल्दी मैन, अहमद एक अमीर शख्स थे, क्लियर। वो आपको इस किस्म का एक सेंटेंस दे देंगे, इस किस्म का एक सेंटेंस दे देंगे, क्लियर। फिर इसके बाद वो आपको बता देंगे कि इसका एडजेक्टिव फ्रेज बनाइएगा, इसका एडजेक्टिव फ्रेज बनाइएगा। और चूंकि ये तो आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, तो उन्होंने आपको ऑप्शंस बना के दे दिए होंगे। उन्होंने आपको फॉर एग्जांपल ऐसा भी लिखा होगा, अहमद वाज ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, अहमद वाज दिस दिस दिस, तो आपने उन चार ऑप्शन में से सही एडजेक्टिव फ्रेज तलाश करना होगा, जिस तरह मैंने ये तकरीबन कोई 10-12 एग्जाम्पल आपको दे दिया। समझ आ गया अकबर? ठीक है, क्लियर हो रही है अकबर? ठीक है, यानी डिफरेंशिएट ऐसे करोगे कि देखिए पहले जो आपको उन्होंने क्वेश्चन दिया होगा उनमें से आप एडजेक्टिव तलाश कर ले। एडजेक्टिव हमेशा जो होता है वो नाउन से पहले आता है, जिस तरह अहमद वाज ए वेल्दी मैन, देखो मैन नाउन है उससे पहले वेल्दी आता है। इसी तरीके से ये जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो नाउन के बाद आता है, वो नाउन के बाद आता है, जबकि नाउन एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन से पहले आता है। जिस तरह आप देखिएगा अहमद वाज ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, यस ठीक है, यस यार ये भी हो जाएंगे, ये जो है ना। लेकिन पास्ट पेपर हमारे पास है नहीं, पास्ट पेपर हमारे पास इंग्लिश के नहीं है, क्योंकि ये तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। यानी हम मैंने पेपर्स बनाए हुए हैं आपके उसके लिए, आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आ सके। वो इंशाल्लाह मैं आपको भेजूंगा भी और आपसे सॉल्व भी करवाऊंगा, फिर जहां जहां कोई गलती हुई है आपसे इंशाल्लाह आपको वो समझाते रहेंगे। यह सब्जेक्टिव फ्रेज की समझ आ गई? बोले यस सर। अच्छा ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे प्लीज पूछ लीजिएगा, अदरवाइज फिर किसी और यानी किसी और टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। वो भी फ्रेज ही का है, टॉपिक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको एडजेक्टिव फ्रेज की अगर समझ आ गई है। ठीक है, हमेशा याद रखना यार, एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनाओगे? देखिए मैंने ये फॉर्मूला अंडरलाइन कर दिया हुआ है, मेक नाउन ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में हमेशा पहले एडजेक्टिव तलाश करें। एडजेक्टिव कहाँ होगा? नाउन से पहले होगा। कहाँ होगा? नाउन से पहले होगा। फिर उसी एडजेक्टिव का आप नाउन बनाइएगा। समझ आ गया आपको? ठीक है, और उस नाउन से पहले या उस नाउन के बाद जहां सेटिंग हो सकती है आप कुछ अल्फाज बनाइएगा, वह एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। समझ आ गया आपको? क्लियर हो गया? यस, ये है एडजेक्टिव फ्रेज। आप प्लीज 2 मिनट के लिए रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम, समझ आ रही है आपको? ठीक है जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम है। मैं कह रहा था कि अगर लेट्स सपोज हम कल की क्लास जो है या नेक्स्ट वीक की क्लास, वो एक क्लास हम टेस्ट के लिए रख लें, 2 घंटों का टेस्ट रख लें हम ऑनलाइन ही, हाँ, MCQs का, आप जस्ट जो है MCQs रेडी करने और उसके आंसर जो है वो हमसे देते रहें। जी जी जरूर जरूर, मैं इसके लिए आसान तरीका बताता हूँ, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं ना बड़े टाइम इस पे लग जाएगा ना। ठीक है, मैं आपको टेस्ट जो है भेजता हूँ आपको, आप घर से ऑनेस्टली सॉल्व करें फिर मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा, उसमें जो गलतियां होगी मैं आपके साथ ऑनलाइन डिस्कस करता रहा हूँ। ठीक है, बोले ना ये सब नो में जवाब दें। जी जी सर, ठीक है, वन लव, थैंक्स सर, ठीक है, वेलकम यार, वेलकम, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू मच यार। ठीक है, ओके, अब देखिएगा इसके बाद हम जाते हैं ना एडवर्ब फ्रेज की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं? एडवर्ब फ्रेज की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? ठीक है, यानी एडवर्ब फ्रेज बिल्कुल यही बात, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके की बात है। ठीक है, कोई ऐसी आमीन मुश्किल नहीं है,
सिर्फ आपको फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिएगा कि एडवर्ब क्या है। सबसे पहले आप एडवर्ब को समझ लीजिएगा, फिर इसके बाद एडवर्ब फ्रेज। अच्छा एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, प्लीज थोड़े से आपने चैट रोक लीजिएगा ताकि मैं पढ़ा तो सकूंगा, ठीक है? फिर इसके बाद मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, क्लियर है? क्योंकि बार बार मुझे जो है ना चैट भी देखने पड़ते हैं, फिर जो है ना हम टॉपिक से कहीं और हट जाते हैं, क्लियर? अब देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ, मेरी बात सुन लीजिएगा, सबसे पहले आपको एडवर्ब थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है? फिर इसके बाद जो है ना हम चले जाते हैं एडवर्ब फ्रेज की तरफ, जाएंगे, क्लियर? एक मिनट में ये स्लाइड सेट कर लूं, फिर इसके बाद जो है ना हम पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? चूंकि ये मैं रेगुलरली लिखता रहता हूँ और पूरी टाइपिंग होती है और मैं टाइपेस्ट भी नहीं हूँ, मेरी टाइपिंग भी कमजोर है, तो ये प्रॉब्लम आते रहते हैं, ठीक है? बट यू नीड नॉट टू वरी, आपको परेशानी में नहीं, चलो कोई बात नहीं हुई। अच्छा अब देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, ठीक है? देखिए जिस तरह हमने बात की कि एडजेक्टिव क्या होता है, वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। एडजेक्टिव किसकी बात करेगा, वो हमेशा किसी नाउन की बात करेगा, किसकी बात करेगा, हमेशा नाउन की बात करेगा, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है? लेकिन जो एडवर्ब होगा, एडवर्ब वो हमेशा किसकी बात करेगा, वर्ब की बात करेगा। एडवर्ब जो है वो किसी नाउन की बात करेगा, यानी एडवर्ब यानी वर्ब के साथ कोई इजाफा कर, यानी एडजेक्टिव जो है वो हमेशा, एडजेक्टिव जो है वो हमेशा किसी नाउन के साथ, यानी नाउन की मजीद डिटेल देगा, जबकि जबकि एडवर्ब जो है, एडवर्ब वो किसके बारे में डिटेल से बात करेगा, वो हमेशा वर्ब की बात करेगा, किसकी बात करेगा, वर्ब की बात करेगा। ये देखो ढेर सारे एग्जांपल मैंने बनाए हुए हैं, आपको परेशान होने वाली बात नहीं। अब देखिए जरा हम बात करते हैं, लुक एट दीज सेंटेंसेस, ये देखें पहले सेंटेंसेस में मैंने एडवर्ब लिखे हुए हैं, फिर दूसरे उसके फौरन बाद मैंने इसके एडवर्ब फ्रेज बनाए, समझ आ गया आपको बात, ठीक है? मसलन देखिएगा, अगर मैं कहता हूं, ठीक है, द आर्मी फाइट्स ब्रेवली। अच्छा एक बात याद रखना, एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद आएगा, एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद ही आएगा। अच्छा अच्छा एक मिनट प्लीज, अगर हम सब नमाज के ब्रेक ले लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि लंबी बात है, नमाज कदा हो जाएगी, मगरिब की नमाज जल्दी कदा होती है। मैं भी यही कहने वाला था, आप नमाज, जी जी प्लीज आप ब्रेक ले लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये, प्लीज, थैंक यू वेरी मच, ठीक है? अब देखिएगा, मैंने पहले आपको बात बताया ना कि एडजेक्टिव किसी नाम की बात करेगा और एडवर्ब जो है वो हमेशा किसकी बात करेगा, वो हमेशा वर्ब की बात करेगा, क्लियर? अब लुक एट दिस एग्जांपल, द आर्मी फाइट्स ब्रेवली, इसमें आर्मी जो है ना ये नाउन है, फाइट्स वर्ब है, ब्रेवली एडवर्ब है, देखो ये द आर्मी फाइट्स ब्रेवली, ये आप ये बताते कि आर्मी कैसे लड़ती है, आप बताते हो कि ब्रेवली बहादुरी से लड़ती है, क्लियर? ये जो ब्रेवली है ये एडवर्ब है जो आपको इस वर्ब फाइट की मजीद डिटेल देता है। अगर मैं कहता हूँ आर्मी कैसे लड़ती है, आप कहते हो बहुत बहादुरी के साथ, यानी इट मीन्स कि आपने बहादुरी की बात की है या आप उस लड़ने की क्वालिटी बता रहे। अब देखिए इसी ब्रेवली का, इसका आप नाउन बनाइएगा, इसका नाउन बनाइएगा, मैंने आपको बात बताया ना फॉर्मूला यही है, इसका जब आप नाउन बनाएंगे तो उससे आगे पीछे जो है ना आप कुछ वर्ड लगाइएगा, द आर्मी फाइट्स इन अ ब्रेव मैनर, ब्रेव इसका जो है फॉर एग्जांपल नाउन है और इसके आगे पीछे मैंने कुछ अल्फाज लगा दिए, ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। ये क्या हो गया फिर, एडवर्ब फ्रेज हो गया, जो ग्रीन कलर में, जो समझ आ रही है आपको बात। Another sentence देखिएगा, अगर मैं कहता हूं he runs speedily, he subject है, runs verb है, speedily adverb है, और ये adverb हमेशा किसकी डिटेल देता है, ये verb के बारे में बताता है कि वो रनिंग तो कर रहा है लेकिन कैसे कर रहा है, स्पीड के साथ कर रहा है, इस वजह से speedily जो है ये क्या है, ये adverb है। अब इस speedily का noun ढूंढ लीजिएगा, इसका noun क्या हो जाएगा, speed, इससे आगे पीछे कुछ अल्फाज लगाइएगा, he runs with a great speed, he runs with great speed, यानी वो बहुत स्पीड के साथ दौड़ता है, समझ आ गया आपको बात, ठीक है? तो with a great speed जो है ये क्या है, ये adverb phrase है, ये क्या है, ये adverb phrase, क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है? अब देखिएगा, never answer rudely, कभी भी जो है ना रूड अंदाज से जवाब ना दे,
क्लियर? अगर मैं सेंटेंस को यू कर लेता हूं, आपके लिए मजीद आसान हो जाए, आई नेवर, यहां पर भी मैं आई लगा लेता हूं, मजा आ गया आपको? ठीक है, अगर मैं कहता हूं आई नेवर आंसर, मैं कभी जवाब नहीं देता हूं रूडली, यानी रूड अंदाज में, समझ आ गया आपको? ठीक है, आई नेवर आंसर रूडली। अब देखिए, आई सब्जेक्ट है, आंसर वर्ब है, रूडली क्या है, ये एडवर्ब है, यानी मैं जो जवाब देता हूं वो रूड नहीं होता है, यानी बदअखलाकी से नहीं बोलता हूं, यही है। रूडली का नाम क्या हो जाएगा? रूड। इसका नाम क्या हो जाएगा? रूड। आई आंसर, ठीक है, यानी देखें, आई आंसर रूडली, मैं यानी रूडली जवाब देता हूं। अगर मैं कहता हूं आई आंसर इन अ रूड मैनर, रूड जो है इसका क्या है, ये इसका नाउन है, और मैंने उससे आगे पीछे दो तीन बार अल्फाज लगा दिए, इन अ रूड मैनर जो है ये क्या है, ये एडवर्ब फ्रेज है। समझ आ गया? ठीक है, अगर मैं कहता हूं शी वर्क्स केयरलेसली, शी वर्क्स, वो काम करती है केयरलेसली, बड़ी लापरवाही के साथ, शी वर्क्स केयरलेसली, वो लापरवाही से काम करती है। अब देखिए, केयरलेसली का केयरलेस, समझ आ गया? या फॉर एग्जाम्पल नो केयर, शी वर्क्स विद नो केयर, शी वर्क्स विद नो केयर, चूंकि केयर जो है ये इसका नाउन है, उससे आगे पीछे हमने कुछ अल्फाज लगा दिए। शी वर्क्स इंटेलिजेंटली, वी वर्क इंटेलिजेंटली, हम जहानत से काम करते हैं। अब देखिए, इंटेलिजेंटली एक वर्ब है, ठीक है, इसका नाउन क्या हो जाएगा? इसका नाउन हो जाएगा, ठीक है, इंटेलिजेंस। शी, वी वर्क विद ग्रेट इंटेलिजेंस, वी वर्क विद ग्रेट इंटेलिजेंस, हम बहुत जहानत के साथ काम करते हैं। समझ आ रही है आपको? सो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज। आ गया आपको बात समझ? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडवर्ब का काम दे सके, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब फ्रेज। क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको समझ आ रही है। यस, इसके बाद देखिएगा, मैंने लिखा है मोर एग्जाम्पल, यानी आप मजीद एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। आई होप कि इन एग्जांपल से आपको काम बात समझ आ चुकी होगी, ठीक है, लेकिन आप मोर एग्जांपल देख लीजिएगा। अगर मैं कहता हूं, देखिएगा, इफ आई से लाइक दैट, ठीक है, अगर मैं इस अंदाज से बात करता हूं, ठीक है, देखें, ही स्पीक्स वाइजली, वाइजली क्या है? ये एडवर्ब है, ठीक है, यानी वो बोलता तो है, लेकिन कैसे बोलता है? वाइजली, अकलमंदाना से। ये एडवर्ब हमेशा वर्ब की मजीद डिटेल देता है। अब इस वाइजली का पहले नाउन ढूंढ लीजिएगा, समझ आ गया? ठीक है, वाइज इसका नाउन, क्लियर? ही स्पीक्स इन अ वाइज मैनर, ही स्पीक्स इन अ वाइज मैनर, क्लियर? सो ये क्या है? ये एडवर्ब फ्रेज है। शी स्पीक्स एलोक्वेंटली, एलोक्वेंटली का मतलब क्या है? यानी बड़ी फसाहत के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ, क्लियर? इसका नाउन क्या होगा? एलोक्वेंस। शी स्पीक्स विद अ ग्रेट एलोक्वेंस, देखो इसका हमने नाउन ढूंढ लिया एलोक्वेंस, उससे पहले मैंने कुछ अल्फाज लगा लिए, विद अ ग्रेट एलोक्वेंस। द विंड ब्लेव वायलेंटली, यानी हवा जो है कहते बहुत तेजी के साथ चलती, वायलेंटली क्या है? ये एडवर्ब है, वायलेंटली क्या है? एडवर्ब। अब देखिएगा, इसका नाउन क्या हो जाएगा? वायलेंस। The wind blew with great violence, with greater violence, यानी हवा जो है बहुत तेजी के साथ चली। क्लियर हो रही है आपको बात? समझ आ रही है? आई होप समझ आ रही होगी इंशाल्लाह, ठीक है। Another example देखिएगा, we work, he works intelligently, तो ऊपर भी intelligently का example गुजर गया, intelligently का noun क्या है? Intelligence। He works with great intelligence, he works with greater intelligence, ये जो with great intelligence है, ये क्या है? ये adverb phrase है। They behave nicely, वो बहुत यानी nicely बेहतरीन तरीके से बर्ताव करते हैं बंदे। इसका यानी देखें, nicely का noun क्या होगा? Nice, ठीक है। They behave in a nice manner, yes। The book fell here, यानी ये किताब जो है वो यहां गिरी, यानी हेयर जो है ये क्या है? ये एडवर्ब है, ये क्या है? ये एडवर्ब। अब इसका देखो कोई नाउन नहीं हो सकता, इसका नाउन भी यही है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है। द बुक फेल एट दिस प्लेस,
बुक फेल एट दिस प्लेस. एट दिस प्लेस का मतलब क्या है? यहां. तो इस वजह से दिखेगा. द पेन फेल देयर. पेन जो है वहां गिरा. समझ आ गया? अब देखो देयर नाउन भी है और एडवर्ब भी है. ऐसे से होते हाल में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है उस लफ्ज को. द पेन फेल एट दैट प्लेस, यानी पेन जो है वहां गिर गया. यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है. आई होप कि इंशाल्लाह आपको समझ आ रही है. आप प्लीज एक दो मिनट के लिए इसको रिवाइज कीजिएगा, एडवर्ब फ्रेज को रिवाइज कीजिएगा, फिर हम आगे जाते हैं. यस प्लीज, समझ आ रहे हैं? ठीक है, फिर मैं आगे जाता हूं. ठीक है, क्योंकि मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ानी है. इनमें से हर एक में से दो दो तीन तीन नंबर के क्वेश्चंस आते हैं. प्लीज यार इनको अपने पास रखिएगा, ये तुम्हारे घर में बच्चों के काम आएंगे, फॉरएवर तुम्हारे काम आएंगे. ठीक है, यस आगे बढ़ू जी. साथ वलोच साहब ठीक है, बाकी आसान बिन ओके यार. ठीक है, सो इसके बाद देखिएगा. यस ठीक है, नजर. ओके जी, थैंक यू वेरी मच यार. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. इसके बाद देखिएगा, नजर है. ठीक है, नाउन फ्रेज. बस ये आखिरी रहता है फ्रेज में, ये आपका आखिरी ही रह जाता है. अगर मैं नाउन फ्रेज की बात करता हूं, ठीक है, बातें वही है, आसान है, बस सिर्फ ये ना कि दिखें थोड़ा सा. तो चेंज आता रहता है. जब हम एक नई चीज की तरफ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो फर्क आता ही रहता है. क्लियर हो गया अखबार? ठीक है, लुक एट दीज एग्जाम्पल. अगर हम इन एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, एक मिनट, ये जरा मैं स्लाइड सेट कर लूं. ये जरा स्लाइड सेट. हाँ यस क्लियर है. अगर मैं कहता हूं, मसलन देखिएगा, किसी भी सेंटेंस में तीन चीजें होती है. किसी भी सेंटेंस में कितनी चीजें होती है? तीन चीजें होती है. एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब होता है, और एक फिर इसके बाद क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है. ये तीन चीजें होती है. बहुत गौर से यार, कॉमन सेंस यार चाहिए यहाँ पर, चाहिए कॉमन सेंस आपका चाहिए मुझे. क्लियर? अब देखिए, अगर मैं कहता हूं, देखें, अगर मैं कहता हूं, मसलन देखिएगा, पहले सेंटेंस की बात करता हूं, लुक एट दिस एग्जांपल. अगर मैं कहता हूं अहमद वांट्स समथिंग, अहमद कुछ चाहता है. अहमद वांट्स समथिंग, अहमद कुछ चाहता है. अब देखिएगा, अहमद क्या है? सब्जेक्ट है. Wants क्या है? वर्ब है. ऑब्जेक्ट क्या है? समथिंग. हालांकि ऑब्जेक्ट पे तो नाउन आता है, लेकिन यहां पर मैंने आपके नाउन के लिए ऑप्शन छोड़ दी. मैं यहां ऐसा भी कह सकता हूं, अहमद wants टी. फिर तो टी ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? समझ आ रहे हैं आपको बात? क्लियर? मैं ऐसा भी कह सकता हूं, अहमद wants फूड. अहमद खाना चाहता है, फूड ऑब्जेक्ट है. समझ आ गया एक बार? लेकिन हमें नाउन नहीं चाहिए, हमें नाउन फ्रेज चाहिए. और फ्रेज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. अब देखो, इस समथिंग को आप एक्सप्लेन कीजिएगा, कोई भी चीज लगा लीजिएगा. अगर मैं कहता हूं अहमद वांट्स टू ड्रिंक वाटर, अहमद वांट्स टू ड्रिंक वाटर, अहमद पानी पीना चाहता है. अब देखो, नाउन वाटर भी आ गया, और उससे पहले आपने एक इन्फिनिटिव लगाना था. इन्फिनिटिव का मतलब क्या है कि एक वर्ब होता है, और वर्ब से पहले क्या होता है? टू होता है.
तक बात समझ आ रही है? यानी मैं बहुत सारी चीजें यहां पर लगा सकता हूं। अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, देखिएगा अगर मैं कह रहा हूं, देखिएगा अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, मैं इस तरीके से कह देता हूं, ठीक है, यानी अहमद वांट्स, यानी अहमद वांट्स, ठीक है, टू ईट फूड, टू ईट फूड, अहमद यानी अहमद वांट्स, अहमद चाहता है, ठीक है, टू ईट फूड, अहमद खाना चाहता है। समझ आ गया? अब देखिएगा यहां पर टू ईट फूड जो है ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है। ये क्या है? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज में दो चीजें होती है, हमेशा याद रखना, एक नाउन आएगा, क्या आएगा, नाउन, जिस तरह वाटर आ गया और ये फूड आ गया, और उससे पहले एक इन्फिनेटिव आया। इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, किसी भी नाउन से पहले जब टू लग जाते हैं, मसलन ड्रिंक, सॉरी किसी भी वर्ब से पहले जब टू लग जाते हैं। अब देखो ड्रिंक वर्ब है, इससे पहले मैंने टू लगा दिया, ईट वर्ब है, इससे पहले मैंने टू लगा दिया। यहां तक बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है आपकी बात? ठीक है, अगर मैं एक नदर एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक नदर एग्जाम्पल आपको इसी तरह इसी से बना के दे देता हूँ, मसलन देखिएगा अगर मैं कहता हूँ, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अहमद वांट्स, ठीक है, अहमद वांट्स, ठीक है, टू राइट अ स्टोरी, अहमद स्टोरी लिखना चाहता है। देखो समथिंग की जगह हम कितनी चीजें लगा सकते होते हैं, समझ आ गया? सो ये जो है फॉर एग्जाम्पल टू राइट, ये इन्फिनिटिव है, स्टोरी नाउन। सो टू ड्रिंक वाटर, टू ईट फूड, टू राइट अ स्टोरी, ये सारे क्या है, ये नाउन फ्रेज है, ये सारे क्या है, नाउन फ्रेज। सो देखिएगा इन सेंटेंस वन, ठीक है, ये देखिएगा मैं इसको यहां पर दोबारा टू कर लेता हूं, ठीक है, इन सेंटेंस वन द वर्ड समथिंग इज अ नाउन, ये नाउन है, यहां पर हम कुछ भी लगा सकते हैं, क्लियर, बिकॉज इट डज द वर्क ऑफ ए नाउन एंड इट फॉल्स एट द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह कोई चीज आ जाए उसको हम नाउन कहते हैं। अगर वो एक लफ्ज होता है तो नाउन होगा, और अगर वो बहुत सारे अल्फाज होंगे तो नाउन फ्रेज होगा। इन सेंटेंस टू द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू ड्रिंक वाटर, देखो ये देखिएगा टू ड्रिंक वाटर, या फॉर एग्जाम्पल देखिएगा टू ईट फूड, चूंकि मैंने बहुत सारे और एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लिया है, या फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, ठीक है, मैंने टू ईट फूड, या फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और जो लिखा हुआ है टू राइट अ स्टोरी, या फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात कर लेता हूँ टू राइट अ स्टोरी, ठीक है, ऑल्सो डज द वर्क ऑफ ए नाउन, ये ऑल्सो डू फिर ज्यादा हो गया तो डू हो जाएगा, ठीक, समझ आ गया आपको, ठीक है, ऑल्सो डू द वर्क ऑफ ए नाउन and falls at the place of an object, और ये भी object की जगह है, it is therefore called noun phrase, इसको फिर हम क्या कहेंगे, इसको हम noun phrase कहेंगे। समझ आ गया? ठीक है, ये जो red color के words है, for example to drink water, to eat food, to write a story, ये क्या कहलाते हैं, ये noun phrase कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, noun phrase। clear हो गया? समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, मैंने बड़े सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, मोर एग्जाम्पल जिस तरह मैं बात करता होता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, यानी इन द नाउन फ्रेज ये फॉर्मूला है, इन द नाउन फ्रेज देयर इज एन इन्फिनिटिव वर्ब, यानी इन्फिनिटिव होता है फॉलोड बाय ए नाउन, और इसके फॉर्म पर क्या आता है, नाउन आता है। यहां तक बात क्लियर हो रही है आपको? समझ आ रही है? ये समझने वाली बात है, मैंने आपको बात बताई थी ना कि इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, लेकिन आसान है, इतना मुश्किल नहीं। Yes? More example, आप देख लीजिएगा जो मैंने लिखे हुए, अगर मैं कहता हूं माई फादर विशेस टू स्पीक टू द प्रिंसिपल, आप देखिएगा टू स्पीक टू द प्रिंसिपल, मैंने डायरेक्ट लिखे हुए, समझ आ गया आपको, ठीक है, माई फादर विशेस, यानी देखिएगा माई फादर जो है वो क्या है, ये नाउन है, सब्जेक्ट है, विशेस वर्ब है, टू स्पीक टू द प्रिंसिपल, ये नाउन फ्रेज है, समझ आ गई, जो कि ऑब्जेक्ट की तरह है। अगर वो कहता हो, अगर मैं कह दूं he dislikes to punish his servant, अब देखिएगा to punish his servant, ये क्या है, ये noun phrase है, क्योंकि देखिएगा to punish ये क्या है, ये infinitive है, और servant क्या है, ये verb है। क्लियर हो रही है आपको बात? समझ आ रही है? यस। इसके बाद देखिएगा another example, she likes to cook food, she likes to cook food, वो खाना बनाना पसंद करती है, she likes to cook food, वो यानी खाना बनाना पसंद करती है, she subject है, like verb है, to cook food in, यानी
नाउन फ्रेज है जिसमें टू कुक इन्फिनिटिव है, फूड नाउन। दे प्रॉमिस टू कम होम, उन्होंने घर आने का वादा किया। देखिए दे जो है ना वो सब्जेक्ट है, प्रॉमिस जो है वो वर्ब है, टू कम होम ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है। क्लियर हो गए? यू डिनाई टू किल पीपल, यू डिनाई तुम पसंद नहीं करते हो टू किल पीपल, लोगों को कत्ल करना। यू सब्जेक्ट है, डिनाई वर्ब है, टू किल पीपल जो है दिस इज द नाउन फ्रेज। इट सरप्राइजेस मी टू सी यू, ठीक है, इट सरप्राइजेस मी टू सी यू, आपको देखकर मैं बड़ा हैरान हूं, समझ आ गए? इट सब्जेक्ट सरप्राइजेस जो है वर्ब है, टू सी यू, देखो ये टू सी ये इन्फिनिटिव है और यहाँ पर जो है ना चलो नाम लिख लीजिएगा, इट सरप्राइजेस मी टू सी अहमद, अहमद को देखकर मुझे हैरान भी हो गए। क्लियर? देखो ये इन्फिनिटिव है और अहमद जो है ये क्या है, ये नाउन है। क्लियर हो गया बात? ठीक है, सो हमेशा याद रखना, ठीक है, कि नाउन फ्रेज क्या होता है, द नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, द नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does the work of a noun in a sentence, it's called a noun phrase. मैंने फिर आगे शायद बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप पहले इसको पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद हम आगे एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेरी आदत होती है ज्यादा एग्जाम्पल लिखने की, समझ आ गई? ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यस, थोड़ा सा आगे चलता हूँ। यस, देखिए ये एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है, मसा देखिएगा। He comes here to guide me. He comes to guide me. चलो ये here भी निकाल दे, चलो कोई सी बात नहीं। He subject है, comes verb है, to guide me ये क्या है, ये infinitive, sorry noun phrase. Clear? To guide यानी ये infinitive हो जाएगा और me जो है ये noun, लेकिन दोनों मिलकर noun phrase बन जाता है। They want to help us. They subject है, want verb है, clear? To help us जो है ये क्या है, ये noun phrase. इसमें to help infinitive है, us जो है for example noun. Ahmed desires to win the game. Ahmed desires to win the game. Clear? To win the game. Clear? ये क्या है? ये noun phrase. The teacher wants to understand us. Teacher चाहता है कि हम समझ लें. Clear हो गया आपको बात? ठीक है. To understand us ये क्या है? ये noun phrase. I go there to teach to catch the train. Go there to catch the train. समझ आ गया आपको बात? ठीक है. To catch the train क्या है? ये Noun phrase. Yes, I hope कि आपको अब समझ आ चुके होंगे, ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना हम कहीं और जाते हैं, so please एक दफा रिवाइज कीजिएगा, and then we go somewhere else, please. Yes. बन गया आप, यानी समझ आ गई आपको बात जी। देखिएगा इसके बाद हम आगे जाते हैं, ये तो एक्टिव स्पीच की एक्सरसाइज थी जो हम पहले कर चुके हैं,
इसके बाद दिए परफेक्ट टेंस जो हम ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं तो खत्म हो गया मेरे यारो, ये मुझे क्या किया हुआ है, जस्ट मिनट, लाइन पर रहिएगा, लाइन पर रहिएगा। जस्ट ये तो थे, जस्ट मिनट, क्या क्या हुआ। Just a minute here. जी प्लीज, ठीक है। एक और चीज सारी स्लाइड में नहीं दिया, ठीक है, मैंने कहीं और इसको रखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जो हमें पढ़ने वाले है, ठीक है, व्हाट इज प्रेडिकेट, ये मैं अभी आपको भेजने वाला हूँ, सारी चीजें इंशाल्लाह आज समझ भेजूंगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ आएगी तो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, तब तुम्हें वो भी समझ आएंगे, तब तुम्हें वो भी समझ आएंगे, ठीक है। बहुत आसान है यार, मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रेडिकेट क्या है, बहुत गौर से सुनना यार, क्लब समझ आ रही है आपको बात, ठीक है, बहुत गौर से सुनने वाली बात है। अगर मैं कहता हूं, मेरी बात सुन लीजिएगा, प्रेडिकेट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। द प्रेडिकेट इज द ग्रुप ऑफ वर्ब, इज द ग्रुप ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में हमेशा तीन चीजें होती है, क्या चीजें होती है, तीन चीजें होती है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर। अगर सेंटेंस में से, अगर सेंटेंस में से फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये देखें, इस सेंटेंस में आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, समझ आ गया आपको बच्चे, मैं एक दफा इसको अलग अलग कर लूं, फिर मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ आ सके यार, ठीक है। क्योंकि इसके बाद आने वाला टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट इंशाल्लाह इतना भी नहीं होगा, आसान हो जाएगा। अब देखिए जरा, ठीक है, अब गौर से देखिएगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूं, फॉर एग्जांपल मेरी बात समझिएगा, किसी भी सेंटेंस में तीन चीजें होती है,
किसी भी सेंटेंस में कितनी चीज होती है, हमेशा याद रखना किसी भी सेंटेंस में तीन चीजें होती है, वन इज द सब्जेक्ट, वन इज द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है, समझ आ रही है आपको, ठीक है। सेकंड वन इज द वर्ब, दूसरे को हम वर्क वर्क कहते हैं, और तीसरे को हम क्या कहते हैं, तीसरे को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई। यानी किसी सेंटेंस में तीन चीजें आपको नजर आएंगी, ठीक है, वन इज द सब्जेक्ट, पहले को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, दूसरे को वर्ब कहते हैं, तीसरे को ऑब्जेक्ट कहते हैं। मसलन देखिएगा, आई ईट फूड, आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, फूड ऑब्जेक्ट है, यस। द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। आगे आपको समझ में, यानी सेंटेंस में ये वर्ब और ऑब्जेक्ट इन दोनों को मिलकर हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। और सुनना यार, एक और भी बात आई बीच में, क्लियर है। यानी यू एडवाइज मी, आप मुझे नसीहत करते हो, यू सब्जेक्ट है, एडवाइज वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब और ऑब्जेक्ट जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट कहलाते हैं। ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट कहलाते हैं। यस, अनदर सेंटेंस, दे किल एन एनिमी, दे सब्जेक्ट है, किल वर्ब है, एन एनिमी इज एन ऑब्जेक्ट। और ये दोनों, आई मीन वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। यस, ओके। अगर मैं कहता हूं वी विन द मैच, हम मैच को जीतते हैं, वी विन द मैच, हम मैच को जीतते हैं। वी सब्जेक्ट है, वी क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर हो आपको बात, ठीक है। विन वर्ब है, द मैच ऑब्जेक्ट है। लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट जब दोनों मिल जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। इन दोनों को फिर हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। यहां तक बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है आपको बात। यस, अब देखिएगा, ये तो मैंने आपको बात समझाई कि प्रेडिकेट किसे कहते हैं, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट जब दोनों मिल जाते हैं, इन दोनों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। लेकिन एक बात और यहां से सुन लीजिएगा, थॉप पे चले जाइएगा, यहां पर मैंने जहां कर्सर रखा हुआ है, अंडरलाइन कर रहा हूं, किसी सेंटेंस में प्रेडिकेट जो होता है, सिर्फ वर्ब को भी प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब। क्योंकि बाज़ औक़ात किसी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, बाज़ औक़ात किसी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, ये जो वर्ब होता है, इस वर्ब को भी प्रेडिकेट कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है, इसको भी प्रेडिकेट कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। पर हम उसको कहते, उसको वर्ब नहीं कहते। यानी इट मींस, मैं यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर आप देखिएगा, अगर मैं लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल लिखे, ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल वर्ब जो है, वर्ब वो क्या कहते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो है, उनसे क्या कहते हैं, हम इसको प्रेडिकेट कहते हैं। समझ आ गया आपको बात, क्लियर हो गया। यस, सो अब देखिएगा, अगर मैं कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आई टीच, मैं आपको पढ़ाता हूं, यहां पर तो ऑब्जेक्ट तो नहीं है, सिर्फ वर्ब है, तो ये जो वर्ब है, ये भी प्रेडिकेट कहलाता है। वी लर्न, हम सीखते हैं, यहां पर तो ऑब्जेक्ट नहीं है, वी सब्जेक्ट है, लर्न जो है, ये क्या है, ये वो है, वर्ब है, लेकिन सिर्फ इस वर्ब को भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम प्रेडिकेट कहते हैं। यहां तक बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है आपको बात। अगर तुम्हें इसकी समझ आती है, तो इसके बाद तुम्हें क्लास पढ़ाने वाला हूं, तो आपको वो भी समझ आएगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट बता रहा हूं। या आप ये भी कह सकते हो, प्रेडिकेट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट जो है वो क्या है, वो वर्ब और ऑब्जेक्ट का ग्रुप है। सिंपली ये भी कह सकते हो, प्रेडिकेट इज अ वर्ब। प्रेडिकेट क्या है, ये वर्ब है, बिकॉज बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। मसलन यहां पर देखिएगा, आई टीच में पढ़ाता हूं, आई टीच में पढ़ाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, देखिए मैंने फॉर एग्जाम्पल क्या किया हुआ है, ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। समझ आ रहे हैं आपको, बात करता हूँ, ठीक है। व्हाट इज क्लॉज, द क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। यस, समझ आ गई, मैंने आपको बात बताई थी ना कि अगर आपको प्रेडिकेट की समझ आ गई है ना, तो आपको सब्जेक्ट भी समझ आ जाएगी। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ये कैसा ग्रुप है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। मसलन देखिए, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट है, समझ आ गया आपको बात, ठीक है। फिर इसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ये प्रेडिकेट बन जाते हैं।
या अगर मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, इसको मिठा देता हूँ, ठीक है, यानी यस, यानी इसको जो है ना, इसको भी मिठा देते हैं, ठीक है, इसके बाद ये इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, ये इज इक्वल टू हो जाएगा क्या क्लॉज, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ये क्लॉज हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट ये क्या बन जाता है, ये क्लॉज बन जाता है, क्या बन जाते हैं क्लास। मसन देखिए, मैंने ये एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये देखिएगा, ठीक है, ही ओबे रूल्स, अब देखिएगा मेरी बात सुन लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखें, इस आई लाइक माय कंट्री, मैं अपने मुल्क को पसंद करता हूँ, मैं अपने मुल्क को पसंद करता हूँ, क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। अब देखो इसमें आई सब्जेक्ट है, लाइक माय कंट्री ये प्रेडिकेट है, Like my country क्या है, predicate है कि नहीं है, like verb है, my country object है, और मैंने आपको ये बात बताई कि जब predicate जो है ना, यानी verb plus object मिलकर क्या बनाते हैं, predicate बनाते हैं, so I subject है, like my country ये predicate है, और ये पूरे ये तीनों चीजें जब मिल जाती है, यानी subject plus predicate, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ये clause बन जाते हैं, क्लियर। आई लाइक माई कंट्री, मैं अपने मुल्क को पसंद करता हूँ, ये क्लास है, ये क्या है क्लास, हमेशा याद रखना मेरी बात सुन लीजिएगा, क्लास किस चीज को कहते हैं, सेंटेंस को कहते हैं, क्योंकि सेंटेंस में कितनी चीज होती है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यस, ठीक है। यू ओबे रूल्स, आप रूल्स को ओबे करते हो, यू सब्जेक्ट है, ओबे रूल्स ये प्रेडिकेट है, और यू ओबे रूल्स ये पूरा मिलकर क्या बनेगा, ये क्लास कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्लास कहलाएगा। शी कुक्स फूड, शी सब्जेक्ट है, cooks food ये predicate है, और she cooks food ये पूरा sentence क्या कहलाता है, ये class कहलाता है, ये क्या कहलाता है, class कहलाता है, थोड़ी बहुत समझ आ रही है, yes I hope कि समझ आ रही है आपको, जी डिटेल से रिवाइज कीजिएगा, फिर इसके बाद हम क्लास के टाइप्स की तरफ जाते हैं, अगर आपको ये चीज समझ आती है ना, तो जिस टॉपिक की तरफ मैं तुम्हें लेकर जाने वाला हूँ, ये तुम्हें खुद ब खुद इंशाल्लाह वो समझ आ जाएगी, यस प्लीज, ओके, आमीन, थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है, आप समझ आ गए, ठीक है, प्लीज इसको एक दो दफा रिवाइज कीजिएगा, फिर हम आगे जाते हैं, प्लीज प्रेडिकेट की भी को भी रिवाइज करें, क्लास को भी रिवाइज करें, ये सारी चीजें मिलते मिलते कंबाइन होकर नीचे एक टॉपिक बनेगा, प्लीज रिवाइज कीजिए। प्लीज आगे जाओ, यस, ठीक है। अब देखिएगा प्रेडिकेट क्या है, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्लास क्या है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, यानी पूरा सेंटेंस। अब देखिएगा बस क्या है, टाइप्स है, यानी मैं इसको, यानी देखिएगा क्लास हैज टू टाइप्स, क्लास जो है इसके दो टाइप्स है, क्लास की क्या है, दो टाइप्स, क्लास हैज टू टाइप्स, क्लास की क्या कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है। नंबर वन इज इंडिपेंडेंट क्लास, इसको प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, इसको मेजर क्लास भी कहते हैं, इसको मेन क्लास भी कहते हैं। बहुत गौर से सुनना यार, बहुत बहुत गौर से सुनना, अगर मैं इस तरह कह देता हूं, क्लियर, एक मिनट में इसको एक ही ग्रुप में लेकर आने की कोशिश कर रहा हूं, एक मिनट, एक ही सेंटेंस में, ताकि एक ही लाइन पे आ जाए, ताकि नीचे वाली बात जो है ना वो ऊपर आ जाए, यस, क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। अब देखें, यानी ये तो इसकी पहली क्लास थी, ठीक है। अब देखें, यानी लुक एट दीज, यानी पहले टाइप को हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट क्लास, पहले को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं,
इसको प्रिंसिपल क्लास भी कह सकते हैं, इसको मेजर क्लास भी कह सकते हैं, इसको मेन क्लास भी कह सकते हैं। एग्जामिनर मुख्तलिफ अंदाज से इसको एनाउंस करेगा। अगर मैं कहता हूँ आई डू माई ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, आई डू माई ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, इसमें आई सब्जेक्ट है, डू माई ड्यूटी ये प्रेडिकेट है, समझ आ गया आपको। और मैंने आपको बात बताई ना कि जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो जाए तो क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है, या इसको ऐसे भी देख सकते हो, आई डू माई ड्यूटी एक मुकम्मल सेंटेंस है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ। Another sentence को देखिएगा, you help me, आप मेरी मदद करते हो, इसमें you subject है, help verb है, me object, आप ऐसा भी कह सकते हो you subject है, help me a predicate, क्योंकि predicate क्या होता है, verb और object, समझ आ रही है, clear? So you help me, आप मेरी मदद करते हो, clear? So इस किस या third example को देखिएगा, we order them, we subject है, order verb है और them जो है object है, या आप ऐसे भी कह सकते हो we सब्जेक्ट है, ऑर्डर देम ये प्रेडिकेट है, क्लियर? सो वी ऑर्डर देम ये पूरा सेंटेंस ही क्या है, एक क्लॉज है, क्लियर हो रही आपको बात, ठीक है? नो, कोई ऐसी कोई इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, सब्जेक्ट ये सॉरी प्रेडिकेट, मैं सॉरी यार गलत हो रहा हूं यार, क्लॉज और सेंटेंस एक ही चीज है, क्लॉज और सेंटेंस एक ही चीज, ये दोनों में पास, समझ आ गया आपको बात, क्लियर है? इनिशियली समझाने के लिए हम सेंटेंस कहते होते हैं, बाद में इसको क्लास कहते हैं, क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है? सो अब देखिएगा, ओ यार बस बिखरे ना, मैं पढ़ाऊं यार, ठीक है ठीक है, अब देखिएगा, अब फॉर एग्जांपल आई डू माय ड्यूटी ये क्लास है, क्यों इसको इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, बिकॉज इट गिव्स यू कंप्लीट सेंस, इट गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग, ठीक है? सो इंडिपेंडेंट क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड गिव्स फुल मीनिंग, इसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, एंड फुल मीनिंग, फुल सेंस कह दो, जो भी कहते हो, इट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब आपको बात समझ आ गई, क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है? यानी द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विच हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी मौजूद हो एंड गिव्स फुल मीनिंग और आपको फुल मीनिंग भी देता है, इट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है? यस सर, ओके, वंडरफुल यार, ठीक है? अब देखिएगा, एक मिनट में इसको एक ही पेज पे ले जाऊं ताकि फिर दूर दूर नजर आएंगे तो समझ नहीं आएंगे, फिर बाद में इसको एक पेज पे लेकर आता, ये देखिएगा ये क्लास, ठीक है? अब देखिएगा, इसके बाद हम करते हैं डिपेंडेंट क्लास, दूसरी सी टाइप क्या है, इसको डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, समझ आ गए, इसको सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, इसको एडवर्बियल क्लास भी कहते हैं, तीन नाम है इसके, समझ आ गया? एग्जामिनर कोई भी नाम यूज कर सकता है, एग्जामिनर कोई भी नाम यूज कर सकता है, ठीक है? सो इस वजह से मैंने तीनों नाम आपके लिए लिख दिया। अगर मैं कहता हूं, ठीक है, डोर इज क्लोज, ओके यार, ठीक है, अब देखिएगा, ओह माय गॉडनेस, क्या है यार, ठीक है, डिपेंडेंट क्लास भी से कह सकते हो, सबऑर्डिनेट क्लास भी कह सकते हो, एडवर्बियल क्लास भी कह सकते हो, समझ आ गया? लुक एट दिस एग्जांपल, बहुत यार कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत ज्यादा कॉमन सेंस यूज करोगे तब आपको बात समझ आएगी, और आप साथ साथ प्लीज बोलते जाइएगा, मुझे जवाब देते जाइएगा, मैंने कुछ कुछ आपसे पूछना होगा। अगर मैं कहता हूं आई वर्क हार्ड व्हेन द एग्जाम इज क्लोज, यस आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूं व्हेन द एग्जाम इज क्लोज, जब इम्तिहान करीब हो, यस, चलो जी साथ जी बोलो और बाकी स्टूडेंट्स प्लीज बोलते जाइएगा। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि इस एक सेंटेंस में कितने सेंटेंसेस है, इस एक सेंटेंस में कितने सेंटेंसेस है, तब आपको बात समझ आएगी मेरी बात, बोले दो है सर, कौन कौन से सेंटेंस, टू, आई वर्क हार्ड, यस गुड, दूसरा व्हेन द एग्जाम इज क्लोज्ड, हाँ वेरी गुड यार, वेरी गुड। अब मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा, इसी पहले सेंटेंस से आपको बात समझाता हूं। अगर मैं कहता हूं आई वर्क हार्ड, बकौल आपके कि इस सेंटेंस में दो सेंटेंसेस है, एक ये सेंटेंस है आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूं, दूसरा सेंटेंस ये है व्हेन द एग्जाम इज क्लोज, जब इम्तिहान करीब, ऐसी बात है, दो सेंटेंसेस हो गए। अब मैं इस पहले सेंटेंस को जो मैं ब्लैक कलर में किया है, मैं उसकी सिर्फ बात करता हूं। अब देखें, आई इसमें सब्जेक्ट है,
वर्क हार्ड, ये इसमें वर्ब है, ऐसी बात है? यस सर। आई वर्क हार्ड, मैं सख्त मेहनत करता हूं, मैंने यहां फुल स्टॉप लगा लिया, ऐसी बात है? आई वर्क हार्ड, मैं सख्त मेहनत करता हूं। ये सेंटेंस आपको फुल मीनिंग भी देता है, फुल सेंस भी देता है, मैं सख्त मेहनत करता हूं। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है? सो इट मीन्स कि ये तो ठीक है, यानी डिपेंडेंट आई वर्क हार्ड, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट व्हेन, नो गलत कह रहे हो यार, ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, क्लियर? आई वर्क हार्ड, मैं सख्त मेहनत करता हूँ, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? कि इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, और आपको फुल सेंस भी देता है, फुल मीनिंग भी देता है। आई वर्क हार्ड, इस सेंटेंस को अपना मीनिंग शो करने के लिए ये व्हेन द एग्जाम क्लोज, इस सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम इसको अकेले में कह दें। समझ आ गया आपको बात? क्लियर? सो दैट इज व्हाई इस सेंटेंस में दो क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, आई वर्क, ये आई सब्जेक्ट है, वर्क हार्ड ये प्रेडिकेट है, और ये आपको अकेले में फुल सेंस भी देता है, फुल मीनिंग भी देता है, जो मैंने आई मीन ब्लैक कलर में किया हुआ। क्लियर? इसके बाद दूसरे सेंटेंस पर आइएगा। व्हेन द एग्जाम इज क्लोज, जब इम्तिहान करीब हो, जब इम्तिहान करीब हो। अब देखिएगा इस व्हेन को अगर हम खत्म समझते हैं, मैं इसे कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। व्हेन को अगर हम फॉर एग्जाम्पल खत्म समझे, तुम्हारे पास क्या रह जाता है? द एग्जाम इज क्लोज, तुम्हारे पास ये रह जाता है। ऐसी बात है, इसमें दी एग्जाम ये सब्जेक्ट है और क्लोज जो है ये वर्ब है। दी एग्जाम इज क्लोज, ये भी आपको फुल सेंस देता है, सिर्फ उस वक्त जब आप इसके साथ व्हेन क्लॉज नहीं लगाते। क्लियर हो गया आपका बात? ठीक है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट भी हो, प्रेडिकेट भी हो, फिर वो आपको फुल सेंस देता है। क्लियर? लेकिन अगर आप इसके साथ व्हेन लगाते हो, व्हेन दी एग्जाम इज क्लोज, जब इम्तिहान करीब हो, देखें ये सेंटेंस अकेले में आपको फुल मीनिंग नहीं देता है जब तक आप इसके साथ पहला सेंटेंस नहीं बोलते हो। समझ आ गए? सच ए सेंटेंस विच हैज द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, बट टू शो इट्स फुल मीनिंग इट डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, ये पहले सेंटेंस पे डिपेंड करता है। इस वजह से इस किस्म के हिस्सों को हम क्या कहते हैं, इस किस्म के हिस्सों को हम जो है क्या कहते हैं, इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। यहां तक बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है? व्हेन द एग्जाम इज क्लोज, ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज। अनदर सेंटेंस को देखिएगा। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, बिकॉज यू नीड इट, इसलिए कि तुम्हें जरूरत है। जी बोले, जो जो बोल रहे थे, ठीक है, बोले, समझ आ रहे हैं? ठीक है, आई टीच यू, मैं आपको वेरी गुड, ठीक है, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, बिकॉज यू नीड इट, इसलिए कि तुम्हें इसकी जरूरत है। समझ आ गया? अब देखिएगा इस सेंटेंस में कितने सेंटेंसेस है, बोले यार। तो ये सर, एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, पहले वाला इंडिपेंडेंट है, और नेक्स्ट वन जो है सर डिपेंडेंट है। वेरी गुड यार, वेरी गुड, तुम्हें समझ आ गया। समझ आ गई? आई टीच यू, ये इंडिपेंडेंट है, बिकॉज इसमें सब्जेक्ट है, टीच यू ये प्रेडिकेट है, और ये आपको फुल सेंस देता है। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं। समझ आ गया आपको बच्चे की? ये फुल सेंस आपको देता है, इस वजह से जो है ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस। लेकिन दूसरे सेंटेंस को देखिएगा, बिकॉज यू नीड इट, इस बिकॉज की वजह से ये डिपेंडेंट बन जाता है, बिकॉज ये अकेले में आपको फुल मीनिंग नहीं देगा जब तक ये पहला सेंटेंस इसके साथ ना हो। हालांकि इसमें यू सब्जेक्ट है, नीड इट ये प्रेडिकेट है, ये भी तो क्लॉज है, लेकिन इस विकास की वजह से क्या बन रही है, दुकान को अपने नाम करनी चाहिए। समझ आ गया? ठीक है, अनदर सेंटेंस को देखिएगा। आई फील स्लीपी, मुझे नींद आती है, व्हेनेवर आई टेक ए बुक, जब मैं किताब लेता हूँ। समझ आ गया? आई फील, मम्मा इसके जूते मैंने कल उठा के बाहर फेंक दिए, मैं फेंकूंगी, देखना। आई फील स्लीपी, मुझे नींद आती है, व्हेनेवर आई टेक ए बुक, जब भी मैं कोई किताब लेता हूँ। अब देखिए इसमें भी दो सेंटेंसेस है, आई फील स्लीपी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। समझ आ गया आपको बात? ठीक है, बिकॉज आपको फुल सेंस देता है। व्हेनेवर आई टेक ए बुक, जब भी मैं किताब लेता हूँ, ये अकेले में आपको फुल सेंस नहीं देता है, इसको पहले सेंटेंस की जरूरत पड़ रही है। इस वजह से जो रेड कलर में अंडरलाइन में लिखे हुए है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। सो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड डज नॉट गिव फुल सेंस या फुल मीनिंग इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज आर सबॉर्डिनेट क्लॉज आर एडवर्बियल क्लॉज।
समझ आ गया आपको बात? ठीक है, सो दिस इज आई मीन ठीक है, ये नहीं, ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है सर, आई मीन लेव, सो दैट इज व्हाई आई एम अनसिंग द पर्स, ओके दिस वेयर फॉर वन ऑफ माइक बंद, ओके अच्छी समझ आ गया आपको बात, समझ आ रही, क्लियर? सो दिस इज मॉडल वगैरह से काफी बनती है, मैंने स्टेटस वगैरह से देखा, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक की बोल बनती है मानूर, आई होप कि आपको समझ आ गई है, क्लियर? सो प्लीज इसको एक दफा रीड आउट कीजिएगा, इसके बाद जो है ना हम वैसे ही बात नहीं कर रही हूं, वरना जज करता है स्टेटस, ठीक है सर, इनको म्यूट कर दें सर, इनको यार आई डोंट नो हु इज स्पीकिंग यार, हु सो एवर इज स्पीकिंग प्लीज म्यूट योर माइक, आपकी पर्सनल यानी डोमेस्टिक बात है तो प्लीज, ताकि बाकी ना सुन, जी प्लीज एक दफा रिवाइज कीजिएगा, अगर समझ नहीं आए हैं फिर मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, और जो ना ये आपके फेवर की बात है, ओके ठीक है, प्लीज देख देख लीजिएगा, अब देखिए जरा, ठीक है, मसलन डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास, देखिए दोबारा क्लास से देख लीजिएगा, अगर तुम्हें क्लास की समझ आ गई ना, समझो दोनों समझ आ गए, ठीक है, क्लास क्या है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये तो डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन तो जाहिर है पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है, अब देखिएगा क्लास बेसिकली क्या चीज है, किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर सब्जेक्ट भी है और उसमें प्रेडिकेट भी है तो क्लास बनाते हैं, मैं देखिएगा आई लाइक माई कंट्री, आई सब्जेक्ट है, लाइक माई कंट्री जो है ये क्या है, ये प्रेडिकेट है, बिकॉज इसमें वर्ब भी है और इसमें ऑब्जेक्ट भी है, तो आई लाइक माई कंट्री ये पूरा मिलकर जो क्या बन जाता है, क्लास बन जाता है, यू ओबे रूल्स, आप रूल्स को ओबे करते हो, यू सब्जेक्ट है, ओबे रूल्स, दिस इज द प्रेडिकेट, क्लियर, और ये पूरा मिलकर क्या बन जाते हैं, क्लास बन जाते हैं, शी कुक्स फूड, शी सब्जेक्ट है, कुक्स फूड, ये क्लास है दोनों मिलकर, अब देखो क्लास क्लास इज टू टाइप्स, क्लास को दो टाइप्स होते हैं, नंबर वन इज इंडिपेंडेंट क्लास, एक को इंडिपेंडेंट कहते हैं, दूसरे को डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास को देखिएगा जरा, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ, आई डू माय ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, देखिए इसमें सब्जेक्ट भी है, आई डू वर्ब है, माई ड्यूटी ऑब्जेक्ट है, जब तीनों चीजें मौजूद हो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई सब्जेक्ट है, डू माई ड्यूटी ये प्रेडिकेट है, और आपको आई डू माई ड्यूटी ये सेंटेंस फुल सेंस भी देता है, फुल मीनिंग भी देता है, इस वजह से ये कौन सा क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि आपको सेंस दे रहा है, फुल मीनिंग दे रहा है, बात क्लियर हो रही है आपको, ठीक है, और इसके बाद अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात सुन लीजिएगा, यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करते हो, यू हेल्प मी, ठीक है, यू हेल्प मी, आप आई मीन ठीक है, आप मेरी मदद करते हो, यू सब्जेक्ट है, हेल्प मी ये प्रेडिकेट है, और ये आपको फुल सेंस देता है, इस वजह से यू हेल्प मी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वी ऑर्डर देम, हम उनको ऑर्डर देते हैं, हम उनको क्या देते हैं, ऑर्डर देम, वी सब्जेक्ट है, ऑर्डर देम ये प्रेडिकेट है, फुल सेंस देता है, फुल मीनिंग देता है, सो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड गिव्स फुल मीनिंग इज कॉल्ड द
इंडिपेंडेंट है। इसके बाद डिपेंडेंट क्लास को देखिएगा, व्हाट इज डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास क्या होगा, लुक एट दिस एग्जांपल, आई वर्क हार्ड व्हेन द एग्जाम इज क्लोज। अब देखिए इस एक सेंटेंस में हमने दो सेंटेंसेस मिक्स किए, आई वर्क हार्ड, ये तो पहले सेंटेंस में। इस पहले सेंटेंस में आप देखिएगा आई सब्जेक्ट है, वर्क हार्ड ये प्रेडिकेट है, और ये फुल सेंस दे रहा है। इस वजह से इस आई वर्क हार्ड को हम इंडिपेंडेंट क्लास कह सकते हैं। व्हेन द एग्जाम इज क्लोज, जब एग्जाम करीब हो, जब एग्जाम करीब हो, समझ आते। अब देखो व्हेन द एग्जाम क्लोज, इसमें द एग्जाम सब्जेक्ट है, इस क्लोज ये प्रेडिकेट है, लेकिन इस व्हेन के लग जाने की वजह से आपको फुल सेंस नहीं देता। जब इम्तिहान करीब हो, ये क्वेश्चन वाली बात है कि जब इम्तिहान करीब हो, क्लियर। जब तक इसके साथ आप पहला आई वर्क हार्ड वाला सेंटेंस ना माने, क्लियर। सो आई टीच यू बिकॉज यू नीड इट, मैं आपको पढ़ाता हूं बिकॉज यू नीड इट, इसलिए क्या आपको जरूरत है, क्लियर। सो आई टीच यू, ये मेन क्लास है, बिकॉज यू नीड इट, ये डिपेंडेंट क्लास। आई फील स्लीपी, मुझे नींद आती है व्हेनेवर आई टेक बुक, जब मुझे मैं किताब उठाता हूं। आई फील स्लीपी ये इंडिपेंडेंट क्लास है, व्हेनेवर आई टेक अ बुक, जब this is the dependent clause. So the group of words which has a subject and a predicate and that does not give full meaning is called dependent clause. Okay, समझ आ गया आपको, ठीक है। प्लीज आप इसको रिवाइज कीजिएगा, मैं अभी आपको ये भेज देता हूँ, फिर इसके बाद जो है ना हम इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है, और इंशाल्लाह आपसे मेरी कल मुलाकात, इंशाल्लाह।